गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज पायस त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल टेक पायस। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग क्रेडिट कार्ड लेने जाने वाले हैं, एक नया क्रेडिट कार्ड, अपनी लाइफ का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लेने जाने वाले हैं, या जिन्होंने क्रेडिट कार्ड ले लिया है, भले वो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड ही क्यों ना हो, और भी क्रेडिट कार्ड उन्होंने अगर ले लिए हैं, अभी क्रेडिट कार्ड आपको इशू हुआ है, तो आपको इन दो बातों का हमेशा ध्यान में रखना है क्रेडिट कार्ड यूज़ करते टाइम, ताकि आप कोई भी गलती बिल्कुल भी ना करें क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते टाइम कि फ्यूचर में आपको रिग्रेट करना पड़े। सो वो दो बातें कौन सी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप वीडियो को शुरू से देखें, एंड तक देखें, एक भी सिंगल सेकंड को स्किप ना करें, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए, आपकी क्रेडिट कार्ड की आगे आने वाली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये दो बातें। सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ आप तक पहुंच सके। तो चलिए फटाफट चल रहे हैं वीडियो की तरफ। तो अगर आपने एक नया क्रेडिट कार्ड ले लिया है या आप क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं, तो जो सबसे पहली बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और जो सबसे पहली मिस्टेक है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो ये है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड से या किसी भी क्रेडिट कार्ड से ATM से कैश बिल्कुल भी विदड्रॉ नहीं करना। अब आपको ATM से कैश विदड्रॉ क्यों नहीं करना चाहिए, आखिर लिमिट तो देते हैं क्रेडिट कार्ड वाले कि यार अपना 5,000-10,000 या आप अपने लिमिट का कुछ परसेंट ATM से विदड्रॉ कर सकते हो। जब क्रेडिट कार्ड खुद हमें लिमिट दे रहे हैं कैश विदड्रॉ करने की, तो भाई आप मना क्यों कर रहे हो या और लोग मना क्यों करते हैं आखिर ATM से कैश विदड्रॉ करने के लिए। तो देखो, इसमें ना क्रेडिट कार्ड कंपनी, स्पेशली बैंक्स अगर आपको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं या कोई भी कंपनी क्रेडिट कार्ड इशू करती है जो पार्टनर बैंक्स के साथ मिल करके, वो एक छोटा सा चार्ज लगा देते हैं, वो हिडन होता है, जो आपको बताते नहीं हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो दे देते हैं, लेकिन जब आपका फाइनल बिल जनरेट होता है तब जाके वो चार्ज आपको देखने को मिलता है, और वो होता है ट्रांजैक्शन चार्ज, यानी कि वो होता है कैश विदड्रॉ चार्ज। वो 2-2.5% तक हो सकता है, या कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड इससे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं 30 डेज के बाद अगर आप पे नहीं कर पाते हो तो वो तो अलग है, लेकिन इंस्टेंटली जैसे ही आपने कैश को विदड्रॉ किया ATM से, वैसे ही ये चार्ज वो लोग तुरंत लगा देते हैं 2-2.5% का, या जो क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो ज़्यादा भी लगाती हैं, कुछ हैं जो कम भी लगाती हैं, 0-2% भी लगाते हैं, लेकिन 0% तो कोई नहीं लगाता है। कैश विदड्रॉ करने पर चार्जेस तो लगाते ही लगाते हैं हर क्रेडिट कार्ड कंपनी। तो अगर आपको लिमिट मिली भी हुई है कैश विदड्रॉ करने की, क्योंकि कुछ बैंक्स होते हैं जो लिमिट देते हैं कि आप इतने परसेंट या इतना अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हो, तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप तो ये सोच के ये विदड्रॉ करते हो कि यार 30 डेज के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा है मेरा, तो मैं तो बिल जनरेट होने के तुरंत ही भर देने वाला हूँ। लेकिन आप इनडायरेक्टली इंटरेस्ट भर रहे होते हो, इनडायरेक्टली आप इंटरेस्ट भर देते हो, वो 2-2.5% का भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 10,000 भी विड्रॉ करने वाले हो तो उसका 2-2.5% आप कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट होता है, तो वो इंटरेस्ट फ्री पैसा बिल्कुल भी नहीं रह जाता है सिर्फ ये चार्ज के चलते। तो आपको ATM से कभी भी कैश को विड्रॉ नहीं करना, ये पहला रीज़न है। अब जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि इससे आपका सिबिल स्कोर बहुत इफेक्ट होता है। सिबिल स्कोर क्या होता है, शॉर्ट में बताता हूँ, डिटेल में एक वीडियो लेकर के आऊँगा। शॉर्ट में होता है कि जब भी कोई बैंक आपको लोन देता है तो आपका सिबिल हिस्ट्री चेक करते हैं, यानी कि आपका फाइनेंशियल हिस्ट्री, आपकी जो लाइफ की फाइनेंशियल हिस्ट्री रही है वो कैसी रही है आपने, यानी कि आपने लोन पहले लिया है कि नहीं लिया है, और अगर लिया है तो उसको टाइमली रीपे किया है कि नहीं किया, आपने कोई क्रेडिट कार्ड पहले लिया है उसका बिल आपने टाइमली रीपे किया है कि नहीं किया है, इससे आपका जनरेट होता है सिबिल स्कोर, जो कि 750 के प्लस एक बहुत अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है। 700-750 के प्लस आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड से के ATM से कैश को विड्रॉ कर लेते हो, तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपके सिबिल स्कोर को, और आपका सिबिल स्कोर हो जाता है बिल्कुल से डाउन। तो ये दो रीजंस हैं जिन कारण से आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कैश को बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करना है। सिर्फ आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, शॉपिंग कर सकते हो, POS मशीन्स होती हैं उस पर स्वाइप कर सकते हो, ऑनलाइन मर्चेंट्स को पे कर सकते हो, लेकिन कैश को बिल्कुल भी नहीं निकालना। मजबूरी हो तो भी मत निकालना, किसी से ले लेना, लेकिन क्रेडिट कार्ड से यार बिल्कुल भी कैश को विड्रॉ मत करना, वो इंटरेस्ट फ्री पैसा नहीं होता है और आपके सिबिल पर भी डायरेक्टली इंपैक्ट कर देता है। मिस्टेक है जो दूसरी बात है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और अगर आपका ये फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है तब आपको ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि बहुत से लोग यही मिस्टेक करते हैं, इसी बात को वो लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, और ये है वो ये है कि आपको हमेशा एक हैबिट डालनी है टाइमली बिल पेइंग की, क्योंकि अगर आपकी हैबिट नहीं टाइमली बिल पे करने की, तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड को लेकर के। क्योंकि बहुत से लोग जब फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं उससे पहले उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड होता नहीं है, जनरली घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, गैस बिल आता है, वो अगर आपके पास सिम पोस्टपेड है तो पोस्टपेड बिल आता है, तो लोग उसको डिले करके जाते हैं कि यार इतना इसमें इंटरेस्ट तो लग नहीं रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे तो तुरंत आ गए, कोई कनेक्शन तो कट कर देने नहीं वाला है, पोस्टपेड पे कोई कॉल कनेक्शन तो कट कर देने नहीं वाला है, तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद बल्क अमाउंट हम भर देंगे। तो ऐसा ना हैबिट ऑफ बिल पेइंग डेवलप नहीं हो पाती, लेकिन क्रेडिट कार्ड के साथ आपको हैबिट ऑफ बिल पेइंग डेवलप करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो ना, तो जैसे ही उनका पीरियड
का साइकिल कंप्लीट हुआ, उसके बाद 2 to 3 days मैक्सिमम 5 days बैंक टाइम देता है, उसके बाद वो तुरंत चार्ज लगाना शुरू कर देता है। और वो जो इंटरेस्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पर्सनल लोन से भी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, 14%, 16%, 18%, जितना आप डील करते जाओगे उतना वो लोग इंटरेस्ट इंक्रीज करते जाएंगे, और इनडायरेक्टली ये सीधा सीधा आपके सिबिल पे भी इम्पैक्ट डेफिनेटली करता है। सो आपको हैबिट ऑफ बिल पेइंग बिल्कुल डेवलप कर लेनी है। जिस डेट पे बिल जनरेट हो रहा है उससे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल आपको भर देना है। इससे दो चीज़ें होती हैं कि बिल तो पे होता ही है, इंटरेस्ट फ्री पैसा इंटरेस्ट फ्री ही रहता है, कोई बेफालतू के चार्जेस नहीं लगते हैं, और आपका सिबिल भी अच्छा होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो कंपनीज हैं, जो सिबिल कंपनी है जो आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करती है, वो ये समझती है कि यार ये जो पर्सन है ना, जो पैसा ले रहा है क्रेडिट कार्ड से, वो तुरंत भर भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लेके भूल जा रहा है, या सिर्फ हमारे ही दिए हुए पैसे पर ये बैठा हुआ है, कि हमारे दिए हुए पैसे पर ये इसके खर्चा रहे डिपेंडेंट है, फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं वो हमारे दिए पैसे पर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड होता है एक अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि आपको एक कोलैटरल बैंक आपसे मांगता नहीं है क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, वो आपके क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए आपको क्रेडिट कार्ड जनरेट करके देता है। सो ऐसे में आपको उसको ये बताना पड़ता है कि यार मैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड के भरोसा नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ इसको इमरजेंसी के लिए रखता हूँ, या कभी कभी तो बिल्कुल यूज ही नहीं करता हूँ। तो आपको ना हैबिट ऑफ बिल पेइंग हमेशा डेवलप कर लेनी है। सो ये जो दो गलतियाँ हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ये जो गलतियाँ हैं इससे बहुत से लोग रिग्रेट होते हैं, फिर वो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करना छोड़ देते हैं या बंद करवा देते हैं, फिर वो दूसरों को सलाह देने चले जाते हैं क्या क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी यूज़ मत करना ना, वो बहुत इंटरेस्ट चार्ज करता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ अगर इमरजेंसी में यूज़ की जाए, राइट तरीके से यूज़ की जाए, परफेक्टली मैनेज करके यूज़ की जाए, तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी वो दो मिस्टेक्स है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिससे आप फ्यूचर में रिग्रेट करने से बच पाएँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, यूट्यूब पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, पता पड़ते जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, यूजर नेम आपके सामने भी पॉपअप हो रहा है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कहीं से भी जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।